हेलो दोस्तों, और मेरा नाम राघवेंद्र और आज मैं मिलाना चाहता हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट है मनीष जी। तो मनीष जी का मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। अब कंप्लीट कोर्स होने के बाद आज ये सर्टिफिकेट लेने के लिए आए हैं। और सबसे पहली बात है, इनका ओपिनियन यही है कि हमको अपना बिजनेस करना है, क्योंकि इनको काफ़ी साल हो गए जॉब करते करते। कितना साल हो गया जॉब करते थे? पाँच साल से ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। और अब इन्होंने सोचा हुआ कि सर मैं फैमिली से भी परेशान हूँ, मतलब फैमिली को समय नहीं दे पाता, घर में बाहर रहता हूँ और उसके चक्कर में बहुत सारी परेशानियाँ आती हुई, जो दिक्कत हुई इन्होंने अकेले मैनेज किया। कहते नहीं कि जब आदमी ज़िंदगी में परेशानी आती है तो आदमी को खुद ही मैनेज करना होता है, कोई कभी ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं देता। आखिर उसका सहारा कौन देता है? उसका सहारा उसका देता है उसका हुनर। अगर आदमी के हाथ में हुनर होता है तो बाहर नौकरी कर रहा है, 5 साल 10 साल 12 साल बाहर नौकरी करता है, लेकिन जब अपने घर में आता है तो फिर वैसे के वैसे ही ब्लैंक हो जाता है, मतलब खाली हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो काम का आदमी है, वहाँ पर बहुत बड़ी मशीन का ऑपरेटर है, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसको 15,000 20,000 25,000 सैलरी मिल रही है। एक कल को कोई फैमिली में या कोई ऐसी बात जरूरत पड़ जाती है तो जब घर में वापस आता है तो उसको कोई काम नहीं मिल पाता, तो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। तो सर ने सोचा कि चलो क्यों ना मैं मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट काम सीख लूँ और काम सीखने के बाद मैं अपना बिजनेस करूँ। तो सर ने लोन के लिए भी अप्लाई किया हुआ है और इनको अभी शायद महीने भर का समय उन्होंने दिया हुआ है कि महीने भर के अंदर इनको लोन अप्रूवल हो जाएगा। लोन होने के बाद फिर ये अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की अपनी दुकान खोलेंगे। अब समझ लीजिए 5 साल 6 साल काम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी आज लोन लेना पड़ रहा है, वो भी 150,000 का। क्यों लेना पड़ रहा है? इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि सर के जितनी सारी सेविंग थी वो ऐसी परेशानी हुई कि सारी सेविंग खत्म हो गई, सारे पैसे खत्म हो गए और नौकरी भी छोड़ दिया। अब बाहर जाने का मन भी नहीं करता कि अब बाहर जा करके हम जो नौकरी करें। तो सर बताइए जरा, ताकि और भी ऐसे लोग हों उनको सर पता चले और अच्छे से काम सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। सर, मैं मनीष कुमार, मैं स्टूडेंट से बोल रहा हूँ। मैं ये युवा मतलब अपने दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि आइए हमारे बीटेक में और जुड़िए और अपना हुनर और आने का भविष्य मतलब बनाने की कोशिश करें। हमने तो सर का वीडियो देखा, उसमें मतलब हम सर के मतलब ज़्यादा मतलब इंप्रेस हो गए देख के वीडियो, और सर से मतलब सर ने हमको मतलब ऐसी परिस्थिति हमारी हो गई देखिए, मतलब बहुत मतलब टूट चुके थे कि मतलब कुछ मतलब बता भी नहीं सकते हैं अपनी मतलब परिस्थिति। तो सर ने हमको मतलब दिलासा दिया और बोले कि हमारे यहाँ आइए और यहाँ से मतलब ये कोर्स करके जाइए और अपना 10-50,000 का मतलब बिजनेस करोगे और मतलब आगे का वो रहेगा ज़िंदगी का, मतलब आगे हर समय मतलब ये साथ देगा। कंपनी में काम करते करते मतलब आदमी इंसान थक जाता है, थकने के बाद में शायद फिर घर पर लौटता है, मतलब काम बुढ़ापे के लिए मतलब कुछ सहारा नहीं रहता। और हमें तो यही लगता है कि मतलब ये कोर्स करने के बाद हमें आगे का भविष्य और मतलब हमको अच्छा लगा सर ने हमको ये ज़िंदगी दी और हमको आगे बढ़ने का मौका दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानी होती है कि आदमी परेशानियों को फेस नहीं करता। क्योंकि मैं सर मैं बोलता हूँ, अगर आपके पास आज बहुत पैसा है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सब चीज़ों से आप समृद्ध हैं, लेकिन फिर जब आदमी फैमिली से परेशान होता है तो फिर आदमी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैं आपको बताऊँ, ये परेशानी ऐसा नहीं कि मनीष जी के साथ में, ये सर जो परेशानी है वो ऐसे हजारों लाखों युवा हैं उनके साथ में ये परेशानी है। क्यों परेशानी है? क्योंकि वो दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, नोएडा है, कानपुर है, कहीं भी वो सर लखनऊ है, कहीं भी रह करके पढ़ना है, बिहार रह करके नौकरी करते हैं, वो 15,000 20,000 रुपये कमाते हैं, वो 5 साल 6 साल 7 साल हो गया उनको नौकरी करते करते। लेकिन अगर रही बात पैसे की बात तो उनको 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, दूसरे में खर्चा पानी होता है, घर का खर्चा चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो फिर नहीं बच पाते। अगर थोड़े से पैसे बचते भी हैं तो उनको लाइफ हमारी सेट नहीं हो पाती। अगर आपको ज़िंदगी को अच्छा सेट करना है, अगर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से प्लान करना है, अगर उसी के बीच में अगर कोई फैमिली के साथ में कोई परेशानी हो जाती है तो आदमी टूट जाता है और सब कुछ छोड़ के घर आ जाता है। जब घर आ जाता है तो उसके बाद में पैसे नहीं होते और कमाने का कोई साधन नहीं होता। और हमारे समाज में ऐसा ऐसा सिस्टम है कि जब आदमी शादीशुदा हो जाता है, फैमिली वाला हो जाता है, परिवार वाला हो जाता है, तो कोई उसकी कोई मदद नहीं करता है। यही कहता है भाई अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम अपनी जिम्मेदारी को देखो। लेकिन आप उससे भी पूछो ना कि वो अपनी जिम्मेदारियों से लड़ते लड़ते एक बार टूट गया है और टूटने का उनको सहारा कौन बनेगा? अगर इंसान टूट जाता है तो वो आदमी ज़िंदगी में कभी नहीं टूटता जिस आदमी के हाथ में हुनर होता है। अगर आपके पास अपना हुनर है
तो आप कभी परेशान नहीं होंगे, आप कहीं भी रह करके किसी भी क्षेत्र में रह करके 4 पैसे कमा सकते हैं और अपना एक सफलता से बिजनेस कर सकते हैं। तो ये सर मैंने आपको इसलिए मैं आपको जोर देना चाहता हूँ ताकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके साथ अगर परेशानी है, कोई ऐसी दिक्कत आती है, उसी प्रॉब्लम आती है, या किसी भी गाइडेंस से संबंधित कोई सलाह चाहिए, कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम चाहिए, सर मुझे इस लाइन में 17-18 साल हो गए काम करते करते, अगर कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा नीचे दिया हुआ नंबर 6391711711 6391211211 इस नंबर पर आप संपर्क करें। और मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का है, लैपटॉप रिपेयरिंग का, ऐसे कोर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लें, वीडियो देखें और आप इसी को समझें कि हमको कोर्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हम इस कोर्स को सीखने के बाद अपने भविष्य में क्या कर सकते हैं, अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर हमको आगे का फ्यूचर सिक्योर करना है तो हमको अपने हाथ में कोई ना कोई हुनर लेना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और सर अपना जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट लेकर के आज अपना घर जाएंगे और अच्छे तरीके से बिजनेस करेंगे। तो मेरे तरफ से सर के लिए सर्टिफिकेट है, जैसे जो लोग बच्चे ट्रेनिंग हो जाते हैं या सीख जाते हैं तो उनको ऐसा हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जा करके अपना काम करें, अपने फील्ड में महारत हासिल करें। और हमारे पास यहाँ पर सभी बच्चों के लिए लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, जिंदगी भर के लिए सपोर्ट रहता है, कभी उनको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आती। और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर उसके बाद भी कभी भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप सर आ करके उन सब चीज़ों को सीख सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। कल को नई टेक्नोलॉजी आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आप आके सीख सकते हैं, ठीक है बोलिए जी। आप अपना बढ़िया तरीके से काम करिए और ज़िंदगी में परेशानी तो आती रहती है लेकिन परेशानियों से लड़ करके ही आगे निकल रहे, यही इंसान का फर्ज होता है और एक हमारे अच्छे समाज का यही फर्ज होता है कि हम सब लोग ज़िंदगी में एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते तो हमारी भी कोई ज़िंदगी में कभी मदद नहीं करेगा। अगर आप किसी के लिए अगर नहीं खड़े हो रहे तो ये आप कभी भी ज़िंदगी में किसी से उम्मीद मत रखिएगा कि आपके लिए कोई खड़ा होगा। तो वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।